देर इज अ स्मॉल टॉपिक इन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. अब हमने पार्टनरशिप फर्म बना ली, वी हैव पार्टनर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए पार्टनरशिप की. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन. सो व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? इट मीन्स एंटरिंग द फर्म्स नेम इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या होता है? जैसे हमारा टेलीफोन एक्सचेंज होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक ऑफिस होता है, वैसे ही एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है जो कि फर्म्स के बारे में सारी चीज़ें ध्यान में रखता है. तो हम क्या करते हैं, वी गो टू द रजिस्ट्रार. हम रजिस्ट्रार को बोलते हैं कि हमें अपनी फर्म की रजिस्ट्रेशन करानी है. वो क्या बोलता है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है, कहता है इसमें फिल कर दीजिए एंड गिव इट टू मी. हम उसको वो फिल करके दे देते हैं. देन व्हाट ही डज इज वो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपने एक रजिस्टर में, जिसको कि रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स बोलते हैं, उसमें हमारी फॉर्म का नाम एंटर कर लेता है. और जिस दिन की वो डेट डाल देता है उस दिन से हमारी फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाती है. तो रजिस्ट्रेशन मीन्स एंटरिंग द फॉर्म्स नेम इन द रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म. जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स का जो ऑफिस है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है. अब रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस. जब हम कोई चीज़ रजिस्टर करा लेते हैं तो इट मीन्स नाउ वी आर एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ. हम आईज ऑफ लॉ की आईज में हम एग्जिस्ट करते हैं. हमारी कोई एग्जिस्टेंस है, हमारी कोई वजूद है. अगर हम अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो लॉ के लिए यू डोंट एग्जिस्ट. मान लीजिए दो फर्म्स हैं, ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड. अब ABC फॉर्म लिमिटेड ने तो अपने आप को रजिस्टर करा लिया और XYZ ने रजिस्टर नहीं कराया. कल को ABC लिमिटेड का किसी से झगड़ा हो जाता है और XYZ का भी किसी से झगड़ा हो जाता है, तो ABC लिमिटेड कोर्ट में जाएगा और केस फाइल कर सकता है कि भाई मेरा इससे झगड़ा हो गया, ये इससे वट एवर मे बी द रीज़न. लेकिन जो XYZ लिमिटेड है, अगर वो कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि इससे मेरा झगड़ा हो गया, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि आपकी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, आप तो यू डोंट एग्जिस्ट, आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरी आइज़ में. तो हमेशा रजिस्ट्रेशन का यही फ़ायदा होता है कि इट इज़ अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म. ये आपका एक प्रूफ हो जाता है कि नाउ यू आर एग्जिस्टेंस, नाउ यू आर लिविंग. और कौन सी डेट होती है, जिस दिन, जिस डेट को हमारा कंफर्म का नाम उस रजिस्टर में एंटर होता है, उस दिन से हमारा वो एक तरीके का हमारा बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है. एंड सेकेंड इज इट इज़ ऑप्शनल. आपकी मर्ज़ी है, आप करवाना चाहो या ना करवाना चाहो. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो लॉ, तो कोर्ट सिर्फ रजिस्टर्ड फॉर्म्स को ही रिकॉग्नाइज करता है और अनरजिस्टर्ड फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता. तो आप क्या कहते हो, हमें रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? हमें करानी चाहिए, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि रजिस्ट्रेशन कराने से कुछ फ़ायदे होते हैं. क्या फ़ायदे होते हैं देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. इसमें ये है कि अगर हम नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज मींस नुकसान होते हैं. उसके तीन नुकसान हो सकते हैं. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक फर्म है, इट कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनर्स. फर्म जो है, सी तीन लोग हैं, एक तो फर्म हो गई फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी इज द पार्टनर एंड द थर्ड पार्टी आर द आउटसाइडर्स. फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग हैं, आउटसाइडर अलग हैं. तो ऐसी फर्म जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो इट कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनर्स. वो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट भी सूट केस फाइल नहीं कर सकते. मान लो वो कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पार्टनर से हमारी लड़ाई हो गई है, ये हमारे पैसे नहीं दे रहा है, तो इट कैन नॉट डू इट. द कोर्ट विल से कि आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते. जब आप ही नहीं एग्जिस्ट करते तो पार्टनर कहाँ से पार्टनर आए और कहाँ से लड़ाई झगड़े की बात हुई. सिमिलरली अ फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज. जैसे मैंने आपको बताया, पार्टनर एक तो फर्स्ट पार्टी इज़ द फर्म, सेकेंड पार्टी इज़ द पार्टनर एंड थर्ड पार्टी मीन्स द आउटसाइडर्स. जो भी आपके क्रेडिटर्स, डेटर्स, सप्लायर्स, जो भी बाहर के लोग हैं, उनके अगेंस्ट भी फर्म केस नहीं कर सकता. कोई आपका डेटर था फर्म का, उसने आपके पैसे नहीं दिए, यू गो टू द कोर्ट कि ये हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि आपकी तो फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपके अगेंस्ट तो कोई केस मैं कर ही नहीं सकता, आप उसके अगेंस्ट केस कर ही नहीं सकते.
तो एक फर्म ना तो आउटसाइडर पे केस कर सकती है और एक फर्म ना ही अपने पार्टनर्स पे केस कर सकती है। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस या पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, जो पार्टनर है कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द थर्ड पार्टी। अब पार्टनर भी ना उस फर्म पे केसेस फाइल कर सकते हैं और ना ही थर्ड पार्टीज, वो जो थर्ड पार्टी जो आउटसाइडर्स हैं उनके किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो इट कैन नॉट फाइल केसेस। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सी एज सच देर आर नो मेरिट्स, कोई फ़ायदे नहीं होते हैं, लेकिन नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, इसीलिए इट इज़ बेटर, जैसे सो इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। एंड अनरजिस्टर्ड फर्म हैज़ मैनी कॉन्सिक्वेंसेज ओवर अ रजिस्टर्ड फर्म। एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं एज कम्पेयर टू अ रजिस्टर्ड फर्म, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड फर्म होगी तो ये तीन प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, वो ये तीनों प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें फर्म को रजिस्टर करा लेना चाहिए। सो इट इज़ अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एक छोटा सा टॉपिक और है, इट इज़ रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ अ माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर, क्या हम माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं? माइनर एज अ पार्टनर, क्या हम माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं? सी हु इज़ अ माइनर, सबसे पहले तो माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसने अभी तक 18 ईयर्स की एज कम्प्लीट नहीं करी है, तो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एज द माइनर। इसमें क्या होता है कि अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप फर्म। एक माइनर को हम पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए भले वो माइनर है या नहीं है, उसके लिए तो वो एक फर्म का पार्टनर है, तो दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्टनर इवन दो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। सो अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। एक माइनर को हम तभी एडमिट कर सकते हैं अगर बाकी सारे पार्टनर्स माने, तो इफ अदर्स पार्टनर एग्री ही कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बेनिफिट्स मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स में एंड नो लॉसेस। तो जो एक माइनर होगा वो सिर्फ प्रॉफिट्स शेयर करेगा, ना कि लॉसेस। और कभी ना कभी माइनर 18 इयर्स की एज अटेन कर लेगा। जब वो 18 इयर्स की एज अटेन कर लेगा, देन वो अपनी इच्छा बताएगा कि ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू और ही डजेंट वॉन्ट टू कंटिन्यू। अगर वो कहता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना है, तो फिर नया एग्रीमेंट बनेगा, बाकी पार्टनर्स की तरह उसकी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो हो जाएगी। और अगर वो कहता है कि ही वॉन्ट्स टू लीव, तो उसको हम पार्टनरशिप से अलग कर देते हैं। तो माइनर एज अ पार्टनर में सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखने की हैं, एक तो कि ही इज़ एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ बेनिफिट्स, नो लॉसेज, मीन्स ही विल ओनली टेक प्रॉफिट्स एंड नो लॉसेस। दूसरा, बाकी पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। तीसरा, व्हेन ही बिकम्स मेजर, व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 18 इयर्स, उसको अपनी विल, उसको अपनी मर्जी दिखानी होगी कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो नया एग्रीमेंट बनेगा, और अगर वो छोड़ना चाहता है देन ही विल बी अलाउड टू लीव द पार्टनरशिप फॉर्म। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ द माइनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, स्टेटस ऑफ द माइनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके।